गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये अक्सर बात होती है कि आपके जो इंटेस्टीन है उसमें फ्लोरा होता है जिसे गट फ्लोरा कहते हैं। बार बार बात होती है कि दही खाने के लिए अच्छा माना जाता है। बात होती है कि ऐसे फूड्स खाने चाहिए जो वास्तव में आपको हेल्दी बैक्टीरिया देते हैं। बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। यह माना जाता है कि प्रोबायोटिक्स आपके इंटेस्टीन के हेल्थ को ठीक रखते हैं। आज मैं बात करूंगा कि जो गट फ्लोरा क्या है और आपकी जो हेल्थ है उसको कैसे इंपैक्ट करता है। नाउ एक बार जरा ध्यान से देखिए कि फ्लोरा आप किसे कहते हैं। फ्लोरा साइंटिफिकली कहा जाता है ए ग्रुप ऑफ प्लांट और बैक्टीरियल लाइफ। तो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल और प्लांट लाइफ, इसको वास्तव में फ्लोरा कहा जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया का जो फ्लोरा है, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन हो, वो बिल्कुल जो है ना फिक्स होता है या अलग होता है। नाउ दो चीजें हमेशा इकट्ठी कही जाती हैं, फ्लोरा एंड फौना। जो फ्लोरा है वो तो वास्तव में प्लांट एंड बैक्टीरियल लाइफ के लिए कहा जाता है, इन फौना वास्तव में एनिमल लाइफ के लिए कहा जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। नाउ जब हम फ्लोरा की बात करते हैं तो फ्लोरा वास्तव में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये अंदर एग्जिस्ट करता है इन द इंटेस्टाइन, जिसे कहते हैं गट फ्लोरा। ये हमारी स्किन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसे कहते हैं स्किन फ्लोरा। तो जो फ्लोरा है वो दो तरह का होगा, एक अंदर होगा विच विल बी द गट फ्लोरा, और एक इसके ऊपर होगा जो होगा स्किन फ्लोरा। फ्लोरा वास्तव में जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्ट में, तो वास्तव में इसमें बैक्टीरिया होते हैं, इसमें कुछ ईस्ट होती हैं, इन कुछ दूसरे फंगाई भी होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। नाउ जब हम गट फ्लोरा की बात करते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी इंटेस्टीन को लाइन करते हैं या हमारी जो इंटेस्टीन है उसमें रिसाइड करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज फार एज द ह्यूमन हेल्थ इज कंसर्न। जब हम गट फ्लोरा की बात करते हैं, इसको बहुत सारे नामों से एड्रेस किया जाता है। इसे गट फ्लोरा कहा जाता है, इसे इंटेस्टिनल फ्लोरा कहा जाता है, इसे माइक्रोबायोटा कहा जाता है, इसे माइक्रोबायोम कहा जाता है, और इसे माइक्रोफ्लोरा भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम है गट फ्लोरा के, या जो इंटेस्टिन में बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए ये नाम दिए जाते हैं। नाउ जहां तक रिसर्च का सवाल है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च ने बार बार ऐसा बोला कि जो गट फ्लोरा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज फार एज द इंटेस्टिन इन द हेल्थ इज कंसर्न। तो आपके ऑप्टिमम हेल्थ के लिए गट फ्लोरा चाहिए, एक ऑप्टिमम हेल्थ के लिए ऑप्टिमम गट फ्लोरा चाहिए, और आपको जो वल्नरेबिलिटी है टू डिजीज या जो बीमारियां होने का खतरा है उससे आपको गट फ्लोरा बचा के चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कहां से डेवलप होता है गट फ्लोरा? जो जब बच्चा मां के पेट में होता है इन द फॉर्म ऑफ द फीटस, साइंटिफिकली इसके इंटेस्टीन में कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इंटेस्टीन जो होते हैं फीटस के वास्तव में स्टराइल होते हैं, कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं। जैसे ही बर्थ होती है, तो जब बच्चा या जो न्यूबॉर्न है बर्थ केनाल से पास होता है, तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया या फ्लोरा उसकी बॉडी में एंटर करते हैं वो एक्चुअली मदर की वेजाइना से आते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बर्थ केनाल से मिलते हैं, दे आर द फर्स्ट वंस जो कि बच्चे को मिलते हैं, एंड दे पॉसिबली इज द बिगिनिंग जो पॉपुलेट होती है एज फार एज द गट फ्लोरा इज कंसर्न। इसके बाद जितने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो चाहे वो फॉर्मूला मिल्क हो, इन अल्टीमेटली क्या खाते हैं आप या क्या बच्चा खाता है उसके हिसाब से जो गट फ्लोरा है वो डेवलप होता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑल दोज चिल्ड्रन जो कि एलएससीएस या सीजेरियन सेक्शन से डिलीवर किए जाते हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द गट फ्लोरा वो मिसिंग होता है। इस फैक्ट को हमको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जो गट फ्लोरा है वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी डाइटरी पैटर्न कैसी है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है और हमारा लाइफ स्पान कैसा है, उसके हिसाब से जो गट फ्लोरा है वो डेवलप होता चला जाता है। नो जब हम गट फ्लोरा की बात करते हैं तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि खाने की नली से लेकर लैट्रिन के रास्ते या एनल कैनाल तक ये पूरी इंटेस्टीन है। अगर ये पूरी इंटेस्टीन है तो क्या पूरी की पूरी इंटेस्टीन में बैक्टीरिया होते हैं? नहीं, शायद ये सही नहीं है। साइंटिफिकली जो हमारी खाने की थैली है उसमें एसिड होता है,
उसके आगे बाइल एसिड्स होते हैं जो बाइल के थ्रू आते हैं, उसके साथ में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियास से आते हैं। तो टिपिकली ये जो तीनों के तीनों हैं, ये गट फ्लोरा को स्टमक में ड्यूडेनम का जो पोर्शन है इसमें कोलोनाइज होने से रोकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टमक है या खाने की थैली है उसमें बैक्टीरिया ना के बराबर होते हैं, हमारा जो ड्यूडेनम है उसमें बैक्टीरिया ना के बराबर होते हैं। नाउ जो गट फ्लोरा है फिर कहां पाया जाता है? अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी जो छोटी आंत है उसका आखिरी का पोर्शन जिसे आईलीएम कहते हैं, तो जो लोअर पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बट मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। जो कोलन है कोलन में ही सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। साइंटिफिकली हमारी जो बड़ी आंत है कोलन में उसमें 1000 वैरायटी ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। एक 2015 की स्टडी थी जिसने बोला कि अगर हम स्टूल के वॉल्यूम को देखें तो स्टूल के वॉल्यूम का 25-50% वास्तव में ये जो बैक्टीरिया हैं, ये माइक्रोबायो माइक्रोब्स हैं, यही बनाते हैं एज फार एज दी वॉल्यूम इज कंसर्न। नाउ लुक एट द फंक्शंस। अगर जो गट फ्लोरा है आपकी इंटेस्टाइन में है तो कुछ काम तो करता होगा। इसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको समझने चाहिए। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नंबर वन इज द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन, जो हमारी इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। नंबर टू इज द रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो ये दो काम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो वास्तव में हमें हेल्प करते हैं। जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंड हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि इम्यून सिस्टम को इस कैसे हेल्प करते हैं, दो तरीके। नंबर वन, जो हेल्पफुल या फ्रेंडली गट बैक्टीरिया हैं वो वास्तव में हमारी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है या जो सरफेस है या जो सतह है उसको डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये पुलिस मैनेजर जैसा काम करते हैं। अगर गट बैक्टीरिया हेल्दी नहीं है या अनफ्रेंडली बैक्टीरिया ज्यादा है तो हमारी जो लाइनिंग है वास्तव में डैमेज होने का डर रहता है, और अगर ये डैमेज होगी तो वास्तव में जो आपकी इंटेस्टाइन है वो पोरस हो जाएगी एंड एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। अगर आपकी इंटेस्टाइन डैमेज होगी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया तो लीकी गट सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नंबर टू, जो हेल्पफुल या फ्रेंडली गट बैक्टीरिया है ये हमारे इम्यूनिटी का जो सिस्टम है उससे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और जो भी अननेसेसरी बैक्टीरिया है या अदर जो ना सब्सटेंसेज हैं उनको फाइट करके उनको डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं या ताकत रखते हैं। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से हमारे जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको ये जो बैक्टीरिया है ये वास्तव में हेल्प करते हैं। Now look at the metabolic effects. जो metabolic effects हैं, मैं समझता हूं these are very important. जो gut flora है, वो बहुत सारे important काम करता है, बहुत सारे vitamins को बनाता है और बहुत सारे nutrients को develop करता है जो हमारी health के लिए essential होते हैं। तो उनके develop करता है, हमारे इंटेस्टाइन को प्रोवाइड करता है एंड बॉडी उनको इंटेस्टाइन खींच के हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती है। ऐसे ही जो गट का फ्लोरा है या इंटेस्टाइन का फ्लोरा है वास्तव में बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यूटिलाइज नहीं हुए, जिन्हें फैटमैप भी कहा जाता है, इनको वास्तव में फर्मेंट करता है एंड फर्मेंट करके बहुत सारी दूसरी चीजें प्रोवाइड करता है, कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जो एपिथेलियल सेल होती है इंटेस्टाइन उसकी ग्रोथ को इंप्रूव करता है एंड हमारा जो फैट स्टोरेज है उसको मॉड्यूलेट करने की ताकत रखता है। तो ये सब मेटाबॉलिक इफेक्ट हैं जो वास्तव में जो गट का फ्रेंडली जो गट बैक्टीरिया हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर आपका जो गट बैक्टीरिया है उनका जो कंपोजिशन है वो लेस देन ऑप्टिमल है, अगर लेस देन ऑप्टिमल है इन द सेंस कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें अनफ्रेंडली बैक्टीरिया ज्यादा है एंड फ्रेंडली बैक्टीरिया कम है, तो कुछ प्रॉब्लम होंगी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगी जो नॉन डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगी। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो इस तरह के इंबैलेंस से आती हैं, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इस स्टेट को डिसबायोसिस कहते हैं, या अनहेल्दी जो बैलेंस होता है गट फ्लोरा का उसे डिसबायोसिस कहा जाता है। अगर डिसबायोसिस है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम आएंगी, कुछ नॉन डाइजेस्टिव सिस्टम की भी प्रॉब्लम आएंगी। जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको मोटे तौर पर आपको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन एटोपिक डिजीजेस, जब हम एटोपिक डिजीजेस की बात करते हैं तो वास्तव में ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी स्किन की सरफेस पे दिखाई देती हैं, चाहे एक्जिमा हो चाहे अर्टिकेरिया हो, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसा माना जाता है कि गट फ्लोरा की डिस्टरबेंस से एटोपिक जो डिजीजेस हैं वो डेवलप होती हैं। दैट्स नंबर वन।
नंबर टू, जो टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस है, विच इज द मोस्ट कॉमन डायबिटीज, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो गट फ्लोरा का इंबैलेंस है, ये शायद इसके लिए डेवलपमेंट के लिए एक फैक्टर है, शायद इसके लिए जिम्मेदार है। नंबर तीन, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का जो डेवलपमेंट है उसमें डिसबायोसिस या इंबैलेंस जो गट फ्लोरा है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर चार इज द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड इसके पीछे भी जो इंबैलेंस इन द गट फ्लोरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। साइंटिफिकली बहुत सारी रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि अगर गट फ्लोरा इंबैलेंस्ड है तो जो ओबेसिटी इज द वन जो वास्तव में डेवलप हो सकती है। ऐसे ही जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो बहुत सारी बीमारियों के लिए एक इन्विटेशन कार्ड है, वो भी शायद अनहेल्दी गट फ्लोरा के चलते आता है। नाउ अगर आपको गट फ्लोरा को बैलेंस करके रखना है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको अगर फ्लोरा को बैलेंस करना है तो छोटी 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 चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर वन इज द स्ट्रेस। अगर आप अननेसेसरी जो है ना स्ट्रेस पालते हैं, एंजाइटी, टेंशन, पैनिक रिएक्शन, डिप्रेशन, ये सब वास्तव में हमारे जो स्ट्रेस का लेवल है उसको ऊपर करके चलते हैं, तो इससे गट फ्लोरा इंबैलेंस होता है। गट फ्लोरा इंबैलेंस होगा तो बहुत सारी डिजीज प्रोसेस आपकी बॉडी में डेवलप होगी। नंबर टू, अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, चाहे आप सबकॉन्शियसली लेते हैं, चाहे आपके डॉक्टर्स आपको सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली देते हैं, जो अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक यूज है वो वास्तव में गट फ्लोरा को इंबैलेंस करता है। नंबर थ्री, अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं तो आपका गट फ्लोरा इंबैलेंस होगा। तो एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन, एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट, एडिक्वेट फैट्स चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी जो डाइट है उसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स यूज करना चाहिए, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो किमची हो, ये इस तरह की जो चीजें हैं वास्तव में आपको हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड करती हैं, जिन्हें प्रोबायोटिक कहा जाता है। अगर नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। साइंटिफिकली इन एक्सट्रीम केसेस अगर ये इंबैलेंस है तो वास्तव में फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है सो दैट इसको बैलेंस किया जा सके। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो गट फ्लोरा है वो हमारी हेल्थ और डिजीज दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो गट फ्लोरा है या गट में जो बैक्टीरिया है वो हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा हो, अनहेल्दी बैक्टीरिया ना हो। अगर डिसबायोसिस या ये इंबैलेंस डेवलप होगा तो बहुत सारी डिजीजेस के डेवलप होने का खतरा पैदा होता है। और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहेंगे तो इसको इजीली आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप समझते हैं कि गट फ्लोरा एंड हेल्थ के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।